गाइस, इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कई सारी बॉलीवुड और साउथ फिल्में चल रही हैं, जिनमें बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्म मुंजिया, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार राजकुमार राव स्टारर फिल्म मिस्टर एडमिशन माही और साउथ सिनेमा की फिल्म गरुड़न जैसी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें, फिल्म मिस्टर एडमिशन माही और गरुड़न को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 25 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 25वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इन दोनों फिल्मों के 20वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, फिल्म मुंजिया को आज सिनेमाघरों में रिलीज हुए 18 दिन पूरे हो चुके हैं। इस वीडियो में हम इस फिल्म के 18वें दिन की इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम इस फिल्म के 19वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिएगा। गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म मुंजिया के बारे में। तो गाइस, आपको बता दें, ये एक हॉरर कॉमेडी से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 2000 से ज़्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म में अभय वर्मा, शर्वरी, भाग्यश्री लिमाए, वरुण धवन, मोना सिंह, सुहास जोशी और सुरुधि मराठे जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 35 करोड़ 30 लाख, दूसरे हफ्ते में 32 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 17वें दिन 6 करोड़ 85 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म के 18वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने 18वें दिन यानी अपने तीसरे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म मुंजिया का टोटल 18 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 85 करोड़ 40 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। इस तरह से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो चुकी है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 106 करोड़ रुपए की रेंज में शानदार कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 19वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 19वें दिन यानी अपने तीसरे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ रुपए की रेंज में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से फिल्म मुंजिया का टोटल 19 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 87 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा। वही जब बात कर लेते हैं राजकुमार राव स्टारर फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही के बारे में, तो गाइस आपको बता दें, ये एक कॉमेडी रोमांस स्पोर्ट्स से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 से ज़्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, इस फिल्म में राजकुमार राव, जाह्नवी कपूर, ज़रीना वहाब, हिमांशु चैकर, कुमुद मिश्रा और राजेश शर्मा जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें, इस फिल्म का निर्देशन शरण शर्मा ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, इस फिल्म को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें, इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 6 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 24 करोड़ 45 लाख, दूसरे हफ्ते में 8 करोड़ 80 लाख, तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 3 करोड़ 20 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं 23वें दिन इस फिल्म ने 20 लाख, 24वें दिन 28 लाख रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म ने अपने 25वें दिन यानी अपने चौथे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 12 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का टोटल 25 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 36 करोड़ 42 लाख रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए की रेंज में बताया गया है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 53 करोड़ 90 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 26वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें, ये फिल्म अपने 26वें दिन यानी अपने चौथे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 8 से 10 लाख रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से फिल्म मिस्टर एंड मिसेज माही का टोटल 26 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 36 करोड़ 52 लाख रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा।
वही सब बात कर लेते हैं साउथ सिनेमा की फिल्म गरुड़न के बारे में। तो गाइस आपको बता दें ये एक एक्शन ड्रामा एडवेंचर से भरपूर फिल्म है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1500 से ज्यादा की स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें इस फिल्म में उन्नी मुकुंदन, सूरी शिवादा, एम शशि कुमार, रेवती शर्मा, समुति रकानी और राजेंद्रन जैसे कलाकार नजर आए हैं। वहीं आपको बता दें इस फिल्म का निर्देशन आर एस दुरई सेंथिल कुमार ने किया है। साथ ही साथ आपको बता दें इस फिल्म को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की शानदार रेटिंग मिली है। वहीं अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस से 3,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। पहले हफ्ते में इस फिल्म ने 23,55,00,000, दूसरे हफ्ते में 12,80,00,000, तीसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 4,30,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। वहीं 23वें दिन इस फिल्म ने 40,00,000, 24वें दिन 50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। साथ ही साथ इस फिल्म के 25वें दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें इस फिल्म ने अपने 25वें दिन यानी अपने चौथे सोमवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 15,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन किया है। इस तरह से फिल्म गरुड़न का टोटल 25 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 45,88,00,000 रुपए का हो गया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए के रेंज में बताया गया है। इस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है। वहीं इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर से तकरीबन 62,90,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन कर लिया है। साथ ही साथ इस फिल्म के 26वें दिन की इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में चर्चा की जाए तो आपको बता दें ये फिल्म अपने 26वें दिन यानी अपने चौथे मंगलवार को इंडियन बॉक्स ऑफिस से 12,00,000 रुपए के रेंज में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से फिल्म गरुड़न का टोटल 26 दिनों में इंडिया में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तकरीबन 46 करोड़ रुपए के आसपास का पहुंच जाएगा। वैसे आपको इन सभी फिल्मों में से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। वहीं ऐसी वीडियो के अपडेट के लिए हमारे चैनल मूवी फॉर अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।